इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। महाराष्ट्र में ज्यादातर किले या तो पहाड़ियों और पर्वतों पर स्थित हैं या समंदर के किनारे। कई किले द्वीपों पर भी हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे किले हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा ही एक किला है परांदा किला, जो उस्मानाबाद जिले के परांदा तालुका में स्थित है। ये किला सामरिक जरूरत के हिसाब से बनाया गया था। किले के बुर्ज और प्राचीर के चारों तरफ बनी खाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किला दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, जो अपने आप में ही एक वास्तु चमत्कार भी है। ये किला बहमनी राजाओं ने बनवाया था, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। हमें ये तो नहीं पता कि किले का निर्माण कब हुआ था, लेकिन माना जाता है कि बिदर के शाह मोहम्मद के प्रधानमंत्री महमूद गवान ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ये किला छोटा जरूर है, लेकिन बहुत मजबूत भी है। इसके चारों तरफ खाइयां खुदी हैं। ये किला आयताकार है। इसकी दो दीवारें हैं, जिसका मकसद किले को मजबूत बनाना रहा होगा। परांदा एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में, और वहाँ एक ऐसा किला है जो शायद एक मास्टरपीस है लैंड फोर्ट्स का। ज़्यादातर हम जब किले देखते हैं तो ये किले होते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों में, या तो कोई चट्टानों के ऊपर, या समुद्र के ऊपर, या समुद्री टापू के ऊपर। मगर बहुत ही कम बार ऐसे होता है कि हम एकदम ही फ्लैट प्लेन्स के ऊपर फोर्ट देखते हैं, और ये प्लेन्स वाले जो फोर्ट्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। और इन यूनिक फोर्ट्स में से शायद महाराष्ट्र का यूनिक में यूनिक फोर्ट है परांदा का किला। परांदा का किला बनाया गया था बामनी पीरियड में, लेट बामनी पीरियड में। बहुत ही फेमस बामनी वज़ीर थे, उनका नाम था महमूद गवान, और महमूद गवान ने ये किला यहाँ बनवाया था। एकदम ही चौरस किला है, बड़ा संदक है, चारों तरफे डबल वॉल है, डबल वॉल फोर्टिफिकेशन है, और उसके नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेटवे है। वो गेटवे का जो बारबिकैन है उसमें नहीं तो चार किलिंग फील्ड्स हैं, और उसके बाद आप मेन गेट पे आते हैं। हर किलिंग फील्ड के वहाँ लूप होल्स है, गरम तेल ओतने की जगह है, तोप छुपाने की जगह है, और ये एक एक गेट लेके जब तक आप अंदर आएंगे तब तक आप हार चुके होंगे। उस कारण से ये गेट एक शो ऑफ होता बारबिकैन कि हमारा एंट्री इतना डिफ़िकल्ट है कि अगर आपको आक्रमण करना है हमारे किले पे तो आपको दीवारें तोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आप गेट ले ना पाएंगे। तो ये जो वल्नरेबल चीज़ होती है गेट, उसे ऐसे डिफेंड किया जाता है, और उसका ये बेहतरीन एग्जांपल है एक बारबिकैन का। वहाँ बहुत सारे बुरूज हैं, ये बुरूज मॉडर्न स्टाइल में बनाए गए हैं, जो कैनन वॉरफेयर के टाइम में बनाए जाते थे, और जैसे औसा के किले में स्क्वाट बुरूज है प्री कैनन पीरियड के, या गुलबर्गा के किले में ऐसे टाइप के बुरूज नहीं है। ये सिलिंड्रिकल बुरूज है, उसका टेपर कमी होता है, उसका एंगल कमी होता है, और ऊपर क्रेनलेशंस होते हैं, ऊपर कैनन्स माउंटेड होते हैं, लूप होल्स होते हैं शूटिंग के लिए। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फोर्ट्रेस है। दिलचस्प बात ये है कि इस किले को कभी भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, और इसका इस्तेमाल हथियार बनाने और तोपों तथा अन्य हथियारों को रखने के लिए किया जाता था। किले के प्रत्येक बुर्ज पर आज भी तोपें लगी हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर तोपें पंच धातु की बनी हैं। कुछ तोपों के मुंह मगरमच्छ की तरह हैं, तो कुछ के फूलों की पंखुड़ियों की तरह। कई तोपों में अरबी भाषा में शिलालेख भी मिलते हैं। बीजापुर किले का प्रसिद्ध तोप मली के मैदान भी इसी किले में बनाया गया था। किले में न सिर्फ तोपें और हथियार बनाए जाते थे, बल्कि इसका इस्तेमाल टकसाल के रूप में भी किया जाता था।
पुराना किला ज़्यादा करके एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस नहीं था, ये फोर्ट्रेस था तो एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस था। इसका काम था गोला बारूद बनाना, तोप वगैरह बनाना, और जो युद्ध का सामान और सामग्री रहती है उसे स्टोर करने की जगह थी। तो यहाँ आज भी अंदर बहुत ही बेहतरीन स्टोर रूम्स हैं, वो स्टोर रूम में आपको सैकड़ों तोप के गोले मिलेंगे, छोटे छोटे स्विवल कैनन्स मिलेंगे, और अलग अलग तरह के आपको कैनन्स पूरे फोर्ट में बिखरे हुए मिलेंगे। जो बहुत ही फेमस बीजापुर की मलिक ए मैदान तोप है, वो परांदे में बनाई गई थी, और जब बीजापुर ने आक्रमण किया परांदे पे, वो यहाँ से ये तोप वापस लेके गए बीजापुर। तो मलिक ए मैदान की एक छोटी बहन है, वो आज भी ऊपर है और वो ओवरलुक करती है जो मेन अप्रोच रोड है किले का। उसके बाजू के बेस्टियन पे एक बहुत ही बड़ी बांगड़ी तोप जो बोलते हैं, या फॉर्ज वेल्डेड कैनन बोलते हैं, जिसे रॉड्स की एक रिंग के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रिंग बिठाई जाती है गरम गरम लोहे की, और वो वेल्डिंग हो जाता है उसके ऊपर। तो अंदर से वो रॉड्स की एक ट्यूब होती है और उसके ऊपर रिंग्स होते हैं। तो अगर जब आप देखेंगे उसको क्लोजअप से, तो ऐसा लगेगा कि हाथ के ऊपर बांगड़ियाँ पहनी हुई है। तो बहुत ही बड़ी एक बांगड़ी तोप है। फिर एक मगर तोप है यहाँ, जिसका कैस्कबेल जो होता है पीछे की बाजू जो होती है तोप के, एक मगर के जैसी बनाई गई है। तो ऐसी कई तोहफे हैं इस किले के ऊपर आज भी मौजूद जो आप देख सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्क्राइब्ड तोप है जिसके ऊपर अरबिक इंस्क्रिप्शन है, और उसको दो डॉल्फिन के हैंडल्स हैं ऊपर। मेन जो तोप है, जैसे मैंने कहा, उसको शेर के हैंडल्स थे, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं उसके ऊपर। औरंगजेब का भी इंस्क्रिप्शन है। परांदा में एक बहुत बड़ी तंगसाल थी जिसे हम मिंट कहते हैं, और परांदा मिंट के कॉइन्स काफ़ी वेल नोन हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट था डेक्कन का, और ये सदर्न डेक्कन का उस्मानाबाद रीजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। किले के अंदर और भी आकर्षण है, जैसे बहमनी वास्तुकला में बनी ये मस्जिद। इस किले में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो देखने लायक है। अंदर किले का मस्जिद है, और बहुत ही सिंपल टिपिकल बहमनी पीरियड के स्टाइल का मस्जिद है। अंदर एक, जब आप एंटर करते हैं साइड से, तो वजू करने की एक जगह है लेफ्ट पे, राइट पे एक पिलर्ड पोर्टिको है, और उसके जो पिलर्स जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई मंदिर के पिलर्स हैं, क्योंकि टिपिकली जो देवगिरी स्टाइल के पिलर्स होते हैं उस टाइप के पिलर्स हैं। लेकिन जब आप उसे करीब से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये मंदिर के पिलर्स नहीं, इसके ऊपर कोई प्राणी नहीं है, इसके ऊपर कोई फल फूल नहीं है, इसके ऊपर कोई इंसान नहीं है। तो ये मस्जिद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बनाने वाले कारीगर वो थे जो मंदिर बनाया करते थे। तो यही कारीगरों ने ये मस्जिद के लिए ये पिलर्स बनाए हैं। जब आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो हर मस्जिद के अंदर मिहराब होता है, और इसका अगर आप मिहराब देखेंगे जो बेसाल्ट स्टोन में बनाया गया है, तो उसमें भी टिपिकली जो गर्भगृह के दरवाज़ों के ऊपर डेकोरेशंस दिखते हैं, वैसे ही टाइप के डेकोरेशंस आपको इस मिहराब के ऊपर दिखेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मिहराब है, उसके बाजू में जालियाँ हैं, सेंट्रल पिलर्स जो है वो ज़्यादा पॉलिश्ड है, पेरिफेरल पिलर्स थोड़े कमी पॉलिश्ड है। आज भी एक बहुत ब्यूटीफुल छोटी कैंटिलीवर्ड सीढ़ी है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं टेरेस पे। तो ये जो छोटा सा मस्जिद है वो एक एकदम जैम है अली मस्जिद में से इस पीरियड का। कुछ समय बाद निजाम के शासनकाल में ये इलाका अंग्रेजों के हाथों में चला गया। लेखक और विद्वान कर्नल मेडोज टेलर यहाँ के प्रशासक बने। इस क्षेत्र का जायजा करने वो अक्सर यहाँ आया करते थे और किलेदार के कमरे में ठहरा करते थे। इसी वजह से ये आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। यहाँ जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर कहा जाता है कि बहमनी शासन से पहले भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण था। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों की मदद से जैन मूर्ति कला से लेकर गणेश की मूर्ति तक मिले तमाम अवशेषों को किले के अंदर संभाल कर रखा गया है। कर्नल मेडोज टेलर रेजिडेंट थे, वो एरिया टू एरिया जाते थे असेसमेंट के लिए। तो जब वो परांदा आते थे तो परांदे में जो किलेदार का पुराना घर था वही घर में रहते थे। तो आज मेडोज टेलर की बदौलत से वो जो घर है वो काफ़ी अच्छी स्टेट में है। ये जो किला है इसमें एक
नरसिम्हा का मंदिर है, इसमें एक गैबी पीर की दरगाह है, और ये जो पूरा किला है वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने काफ़ी उसकी अच्छी देखरेख की है, तो थोड़ी अच्छी देखरेख में है, अच्छे स्टेट में है। बहुत सारे आजू बाजू के जो स्कल्पचर्स वगैरह लोगों को मिलते हैं और वो स्टेट डिपार्टमेंट को ला के देते हैं, तो वो सारे स्कल्पचर्स स्टेट डिपार्टमेंट में, एक जो छोटा सा हमाम है, हमाम की एक बिल्डिंग है, तो वो हमाम की बिल्डिंग में स्टेट डिपार्टमेंट में वो सब स्ट्रक्चर्स जमा करके रखे हैं। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल जैन स्कल्पचर्स है, हिंदू स्कल्पचर्स है, एक गधेगल का स्टेले है, और एक गणेश की मूर्ति है, एक अप्रतिम वराह की मूर्ति है टूटी हुई। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अवशेष यहाँ जमा किए गए हैं आसपास से जो मिले हुए हैं। वो हमें कहते हैं कि इस एरिया में बामनी काल के पहले भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। सुरक्षा के नज़रिए से निर्मित और अपनी अद्भुत शिल्प कला की वजह से परांडा किला भारत के सबसे दिलचस्प किलों में से एक है, जो आज भी सही सलामत हालत में है, जिसे एक बार जरूर देखा जाना चाहिए।